Hello students, welcome back to our online class. Today we are going to learn articles, which is one of the most difficult points in English grammar. But if you learn these in a systematic way, then I don't think so these are so difficult. But yes, to some extent they are difficult and they are very important for correct writing English. Articles basically दो होते हैं, जैसे कि आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया मैंने. Articles A, an और दूसरा होता है the. ये जो A, an है इनको बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये जो द है इसको बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल यूज कहाँ होते हैं, वेयर दीज आर यूज्ड. ये यूज होते हैं नाउन के पहले, नाउन. और जैसे कि मैंने ये पहले यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज, इनका जो उपयोग है वो नाउन फ्रेज में किया जाता है. नाउन से पहले इनका उपयोग किया जाता है. अब कौन से नाउन के पहले उपयोग किया जाता है ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए. तो हर प्रकार के नाउन के लिए कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर बना है, लेकिन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, ये सिर्फ सामान्यतः कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं उनमें, बाकी मुख्यतः ये यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. और जो द है इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है. तो जो भी नाउन डेफिनेट हो जाता है, जो भी नाउन निश्चित हो गया, जो भी नाउन फिक्स हो गया, जो भी नाउन लिसनर जानता है और स्पीकर भी जानता है, उसके पहले द का उपयोग होता है, भले ही वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो. यद्यपि उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो चीज़ें अपन आगे देखेंगे. कितने महत्वपूर्ण होते हैं आर्टिकल ये अपन देखते हैं थोड़ा. द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट इन इंग्लिश ग्रामर, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर्टिकल मिस्टेक्स डोंट मैटर टू मच. इवन इफ वी लीव ऑल द आर्टिकल्स आउट ऑफ अ सेंटेंस, इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड. हाउएवर इट इज़ बेटर टू यूज द आर्टिकल्स करेक्टली इफ पॉसिबल. एक सेंटेंस में अगर आर्टिकल ना हो तो भी उसका अर्थ है वो पढ़ने वाले के, सुनने वाले के समझ में आ जाता है. तो आर्टिकल्स मीनिंग के दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर हम करेक्ट इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, तो हमें आर्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए. तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है. आप देखें कि एक सेंटेंस से आप आर्टिकल निकाल दोगे तो भी आप उसका अर्थ आसानी से समझ सकते हो, आप मिस्टेक नहीं करोगे, लेकिन महत्वपूर्ण है फिर भी. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, अपने लेसन में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ वर्ड्स आने वाले हैं जो मैं आपको यहीं क्लियर कर दूँ, और ये नाउन से संबंधित है, नाउन की कैटेगरी से संबंधित हैं. और ये कौन कौन से वर्ड आने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. ये नाउन के प्रकार हैं. जैसे नाउन है वो एक वचन नाउन हो सकता है, मतलब एक वचन संज्ञा हो सकती है, या बहुवचन संज्ञा हो सकती है. वो गिनी जा सकने वाली संज्ञा हो सकती है या ना गिनी जा सकने वाली संज्ञा हो सकती है. ये जो ऊपर वाले हैं ये बेसिकली इसी के आगे टाइप्स हैं.
लेकिन आप यूँ समझ लें, बस सिंगुलर वो होती है जिसको हम जो एक होती है जिनको हम गिन सकते हैं, प्लूरल बहुवचन संज्ञा, जैसे बुक बुक्स, तो यहाँ बुक है वो सिंगुलर हो गई, बुक्स है वो प्लूरल हो गई। अनकाउंटेबल जैसे संज्ञा है, जैसे मान लो हेल्प है, सहायता है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, फर्नीचर है, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गई। और काउंटेबल की बात करें जिनको गिन सकते हैं, जैसे बुक मैंने आपको बताया एक दो तीन जिनको अपन गिन सकते हैं ऐसे, तो वो इस प्रकार से हो गई। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, अपने लेसन के दौरान आएंगी। चलो अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सिस्टम कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप सेंटेंस में अकेली नहीं रख सकते। यू कैन नॉट राइट डाउन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन ए सेंटेंस विदाउट यूजिंग एनी आर्टिकल और एनी डिटरमिनर बिफोर इट। जैसे आप सिर्फ बुक नहीं लिख सकते किसी सेंटेंस में, या आप किसी सेंटेंस में सिर्फ पेन नहीं लिख सकते, या किसी सेंटेंस में आप सिर्फ बॉय नहीं लिख सकते। जो भी काउंटेबल या जिनकी अपन गिनती कर सकते हैं वो नाउन्स अकेली नहीं लिखी जाती, उनके पहले आपको आर्टिकल या अन्य कोई डिटरमिनर लगाना होगा। जैसे आप ए बुक बोल सकते हैं, आप द बुक कर सकते हैं, वहाँ पे माय बुक हो सकता है, योर बुक हो सकता है, हिज बुक हो सकता है, हर बुक हो सकता है, दिस या दैट बुक हो सकता है, एनी बुक हो सकता है, आइदर बुक हो सकता है, एवरी बुक हो सकता है, ये चीज़ आपको वहाँ पे लगानी ही होगी। इंग्लिश का एक रूल है, इस रूल को अपन आगे क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन पहले यूँ समझ लें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकेली यूज नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, दे जो वर्ड है, जे दे जो डेफिनेट आर्टिकल है, ये इंग्लिश में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला वर्ड है। ये इंग्लिश के टोटल वर्ड्स जो आप लिखते हो उनका लगभग 7% यही होता है अकेला, या टोटल जो लिखे गए हैं वर्ड्स उनमें 7% यही है, तो आप समझ सकते हैं। और आर्टिकल्स को मूल रूप से वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो वर्ग है वर्ड्स का उनमें शामिल किया जाता है, इनको ये डिटरमिनर्स के ग्रुप में है, और डिटरमिनर्स भी शामिल होते हैं एडजेक्टिव वाले ग्रुप में, तो इनको यहाँ शामिल किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जनरल नॉलेज अपन ने ली आर्टिकल्स के बारे में। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स से। आर्टिकल तो एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया ए इनडेफिनेट जो आर्टिकल है वो ए ही है, लेकिन नाउन के प्रोनंसिएशन की शुरुआत कैसे होती है उसके अनुसार एन भी हो जाता है, एक है वो एन भी बन जाता है। तो पहले यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ए कहाँ काम में लिया जाता है और एन कहाँ काम में लिया जाता है। पहले तो ये चीज़ समझ लो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है तो वो यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ये इसका मुख्य रूल है। सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन है उससे पहले इसका उपयोग होगा, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, चेयर, रूम, ये सिंगुलर काउंटेबल, इनके पहले इसका उपयोग होगा। अब ए कहाँ होगा, एन कहाँ होगा, ये मैं आपको बताऊँ, तो ये डिपेंड करता है प्रोनंसिएशन पे, उच्चारण पे। जो आपका नाउन आ रहा है जिसके पहले आप ए लगाओगे या एन लगाओगे, ये उसके प्रोनंसिएशन पे डिपेंड करता है, उसके उच्चारण पे डिपेंड करता है। अगर उसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, व्यंजन ध्वनि क ख ग ये जो अपने होते हैं, ये अगर इनसे उसकी शुरुआत हो रही है उस प्रोनंसिएशन की, तब आप वहाँ पे ए लगाएंगे। और यदि
नाउन के प्रोनंसिएशन की शुरुआत स्वर वावल से हो रही है, स्वर ध्वनियाँ जो अपने होती हैं ए आ ई ई ऊ ऊ, ये जो ध्वनियाँ हैं अगर इनसे उसकी शुरुआत हो रही है तब आप एन का उपयोग करेंगे। ये चीज़ अपन यहाँ मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से क्लियर करता हूँ। जैसे ये देखो ए कहाँ पे आएगा, जैसे इंग्लिश में अपन स्वर की बात करें तो जो आपको आपने सीखे होंगे अब तक ए आई ई ओ यू, ये आपने सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ वावल साउंड से मतलब वावल साउंड्स वैसे 20 होती हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में आप समझो तो ए आ ई ई ऊ ऊ ए ई ओ औ अंग ए, ये जो हैं इनको वावल साउंड्स बोलते हैं। तो ये जो साउंड्स हैं अगर ये आ रही हैं तो अपन एन लगाते हैं। जैसे यहाँ अपन यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये लिखे हुए हैं वन सेकेंड, ये देखो एन वहाँ पे लगाया हुआ मैंने क्योंकि इसकी शुरुआत है, वो इस वर्ड को आप बोल के देखो, इस नाउन को बोलेंगे आस, जो वर्ड है गधा जिसको अपन बोलते हैं उसके लिए, तो इसकी शुरुआत आ से हो रही है, तो अपन ने यहाँ इस अगर ये आपके सेंटेंस में आ गया तो आप एन लगाएंगे। ऐसे ही एनिमी, एनिमी इसकी शुरुआत ए से हो रही है तो आप एन लगाएंगे। काउंटेबल है, ध्यान रखना ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है और सिंगुलर है, अकेली है। आगे देखो आप अम्ब्रेला, जैसे इसकी शुरुआत है वो यू से हो रही है अम्ब्रेला, तो अगर ये आ गया तो आप एन लगाएंगे। ऑनेस्ट मैन, अब देखो ये ऑनेस्ट वर्ड है, ये महत्वपूर्ण है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट मैन, ये जो आपका नाउन है इसमें ये नाउन के पहले लगा हुआ एडजेक्टिव है, ये चीज़ बाद में आपको मैं क्लियर करता हूँ। पहले आप यूँ समझे कि ये एक नाउन है और इसकी शुरुआत है वो एच से हो रही है, तो हमें यूँ लगेगा जैसे यहाँ पे हम ए लगा दें, लेकिन ए नहीं होगा यहाँ पे एन ही लगेगा क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है। ये इंग्लिश में कुछ एच से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर केस होता है, वहाँ पे एच साइलेंट होता है और इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो ऐसे निकलता है ऑनेस्ट 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 मैन, तो यहाँ पे अपन एन लगाएंगे। ऐसे ही एयर, ये जो इसकी भी शुरुआत एच से हो रही है लेकिन इसका प्रोनंसिएशन एयर होता है। ऐसे ही होटल, ये कई वैसे इसको होटल भी बोलते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोनंसिएशन है वो इसका होटल है, तो इस अगर ये आ गया तो आप एन लगाएंगे। ऐसे ही एम एल ए, देखो इसकी शुरुआत वैसे एम है, वो एक कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है लेकिन इसका प्रोनंसिएशन है वो ऐसे निकल रहा है एम एल ए एम एल ए एम एल ए, तो इससे पहले भी एन लगेगा। ऐसे ही एन एल प्लेट एन एस पी एन हिस्टोरिकल, ये यहाँ पे हिस्टोरिकल नहीं, यहाँ हिस्टोरिकल, वैसे इसको कई हिस्टोरिकल भी बोलते हैं लेकिन यहाँ आप इसका सही प्रोनंसिएशन वो हिस्टोरिकल है, तो आप समझ गए होंगे आई होप कि अगर नाउन का प्रोनंसिएशन है वो स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है तो अपन एन लगाएंगे, और यदि वो व्यंजन ध्वनि से उसकी शुरुआत होती है तो अपन ए लगाएंगे। जैसे ये वर्ड आप देखें, ये नाउन देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसकी शुरुआत वैसे यू से हो रही है, तो आमतौर पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर अपन यहाँ गलती कर देते हैं, यू से शुरू हो रहा है तो अपन सोच रहे हैं कि वावल साउंड्स है, लेकिन आप बोल के देखो तो इसकी शुरुआत हो रही है वर्ड लेटर ये से, यूनिवर्सिटी यू यू ये यूनिवर्सिटी, तो अगर ये नाउन आ गया आपके सेंटेंस में तो इसके पहले आप ए लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे। ऐसे ही वन पाउंड कॉइन, ये वन पाउंड कॉइन यहाँ पे ये हाइफन आएगा वन पाउंड, ये भी देखो इसकी शुरुआत भी वैसे हो रही है तो ये व्यंजन साउंड है ना कि स्वर ध्वनि। ऐसे ही इसकी शुरुआत यूरोपियन,
यूरोपियन, इसकी शुरुआत ई से जरूर हो रही है लेकिन इसी इसमें साउंड क्या निकल रहा है, ये यूरोपियन। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि जिस वर्ड का शुरुआती प्रोनंसिएशन वावल है वहाँ तो अपन एन लगाएंगे, और जिसका शुरुआती प्रोनंसिएशन व्यंजन है वहाँ पे अपन ए लगाएंगे। जैसे नीचे मैंने और दिए हुए हैं एग्जांपल्स यहाँ पे आपको, ये देखिए ये वर्ड्स देखिए, जैसे यूनियन वर्ड आ गया तो ये से इसकी शुरुआत हो रही है अपन ये लगाएंगे, यू ई डब्ल्यू ई यू जो जानवर होता है उसकी शुरुआत भी ये से होती है तो अपन ए लगाएंगे। ऐसे ही यूनिकॉर्न है, ऐसे ही यूजफुल आर्टिकल है, ऐसे ही होल है, इसकी शुरुआत एच से हो रही है, ऐसे ही हॉर्स है। अब यहाँ आप ध्यान रखना एच है वो साइलेंट नहीं है, यहाँ एच बोला जाता है, बोला जा रहा है तो अपन ए लगाएंगे। ऐसे ही बॉय है, वन रुपी नोट है, वन आइड मैन है, तो इन सब की प्रोनंसिएशन है वो व्यंजन ध्वनि से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो अपन ए लगाएंगे। और इनकी ही शुरुआत अगर वॉवल साउंड से होती तो अपन वहाँ पे एन लगाते, जैसे ऊपर ही ऊपर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आव एन आव आव, जैसे सही इसका प्रोनंसिएशन ये होता है। ऐसे ही एन एम पी एम पी, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगला जो अपना वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन यूज देखेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए एन है वो यूज कहाँ किए जाते हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं, ये लगभग 17-18 रूल्स हैं, तो अपन इनको क्लियर करेंगे। टिल देन बाय बाय।